हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समीक्षा'स फूड वर्ल्ड। आज हम लोग बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का एनिवर्सरी केक विथ हार्ट शेप एंड न्यू डिज़ाइन। चलिए आज के केक के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे हार्ट शेप का बेस। बेस लेने के बाद हम लोग इस पर डाल देंगे क्रीम। क्रीम को अप्लाई करने के बाद हम लोग स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे एंड दोनों को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद आपको अपनी सेकेंड लेयर भी रखनी है उस पर। ओके, तो अच्छे से हमें इसको स्प्रेड करना है एंड स्प्रेड करते हुए आप नेक्स्ट लेयर रखिए तो उस पर वही प्रोसेस दोहरानी है आपको। मींस यू हैव टू पुट सम शुगर सिरप आफ्टर दैट क्रीम क्रश एंड स्प्रेड। ऐसे करते हुए आपको तीनों लेयर आपकी रख देनी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी सेकेंड लेयर रख दी है एंड सेम प्रोसेस हम करेंगे। एंड मैंने अभी फिनिशिंग कर ली है केक की। फिनिशिंग करने के बाद हम लोग इस पर थोड़ी सी मार्किंग कर देंगे। तो जैसे कि आप सब लोग देख ही सकते हैं, मैंने मार्किंग कर दी है। एंड अभी हम लोग रेड कलर का जेल ले लेंगे। सो ये न्यूट्रोजेल है, आप सिर्फ न्यूट्रोजेल में हमें कलर वाटर ऐड करना होता है एंड इन दोनों को मिक्स करके वो उसमें जेल मिलता है। तो हम लोग अभी यहाँ पर ड्रिपिंग निकाल रहे हैं। ड्रिपिंग को अच्छे से करना है ताकि आपकी ड्रिपिंग बहुत सुंदर लगे एंड योर केक इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस। तो इस तरह से आपको जब ड्रिपिंग करनी है तो प्लीज़ 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 अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। कोई भी क्रम आपका नहीं रहना चाहिए। क्रम रहा तो आपकी ड्रिपिंग का जो है थोड़ा सा लुक चेंज हो सकता है, तो प्लीज़ बी अवेयर। तो ड्रिपिंग करने के बाद हम लोग जो मिडल लाइन है वो भी करेंगे। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना। तो अभी हम लोग इसको ड्रिपिंग दे रहे हैं एंड आप देख ही सकते हो दूसरे बाजू की ड्रिपिंग हमारी कितनी सुंदर लगती है। सो रेड कलर की ड्रिपिंग आई लिटरली लाइक, क्योंकि रेड कलर की जो ड्रिपिंग है वो बहुत अच्छी होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जिगजैग शेप में जो बीच में हमने निकाली है लाइंस टूथपिक से, उसको हम लोग जो हमारा जेल है उसी से मार्जिंग कर देंगे एंड पूरा एक बाजू हमारी जो एक साइड है उसको फिल अप कर देंगे रेड जेल से। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे रोजेट्स। रोजेट का जो नोज़ल है उससे हम लोग निकालेंगे। तो रोजेट के नोज़ल से हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं एंड ये न्यू डिज़ाइन है, आपको सिर्फ उसको एडजस्ट करते जाना है करते जाना है। एंड इस तरह से हम लोग उसको कर देंगे। अभी पूरी तरफ से आपको इसको करना है एंड बीच में जो भी वाइट शेप है उसको ना फिल अप कर देना है पूरा, क्योंकि मैं इस पर नेम नहीं लिखने वाली। तो इसलिए जो रेड साइड है उस पर आप नेम लिख सकते हैं, जिसका भी एनिवर्सरी है उसका नेम आप लिखिए। एंड यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हमारी पूरी डिज़ाइन निकाल ली है। एंड पूरी डिज़ाइन निकालने के बाद हम लोगों का जो ये केक है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अच्छे से रेडी हो गया। अभी हम लोग इस पर टैग वगैरह लगा देंगे, स्प्रिंकल्स डाल देंगे, नीचे की बॉर्डर निकालना मत भूलिएगा। तो नीचे की बॉर्डर निकाल रहे अभी हम लोग उसी नोज़ल से, क्योंकि ज़्यादा झंझट नहीं करना है, तो उसी नोज़ल से हम लोग कर देंगे। एंड आप देख ही सकते हैं हम लोग उसी नोज़ल से ये जो है हमारा कर रहे हैं। उसी नोज़ल के साथ पूरे केक को आपको डिज़ाइन कर लेना है, नीचे से बॉर्डर कर देनी है। एंड अभी हम लोग स्प्रिंकल्स डालेंगे। स्प्रिंकल्स मैं डाल रही हूँ गोल्डन, बट वो आपको ग्रीन भी देख सकते हैं कैमरा में। तो गोल्डन जो स्प्रिंकल्स है वो हम डाल देंगे। थोड़े से रेड भी डाले हैं मैंने हार्ट शेप की, देखो मैंने कहा था नहीं ग्रीन दिखेंगे। एंड जो डिज़ाइन उस पर मैंने डाले सिल्वर, सो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। टैग लगा दो एंड योर केक इज़ रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।